आखिर सीमेंट कैसे बनती होगी और फिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जो दीवारों को इतना मजबूत बना देती है। तो चलिए देखते हैं कि फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनती है। असल में सीमेंट की फैक्ट्री आप कहीं भी नहीं लगा सकते, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। दरअसल सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल पास में होना बहुत जरूरी है। अगर इसे बनाने वाला सारा मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा तो प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से और कम दाम में हो जाएगा। इसे बनाने के लिए जो कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं वो भारी और सस्ता होता है। सीमेंट बनाने के लिए मैन्युअली चार चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला ये लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। दूसरा है लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी लाल रंग की होती है और इस मिट्टी की खास बात यह है कि इसको पकाया जा सकता है। तीसरा है शेल स्टोन, ये काला पत्थर होता है। ये कहीं भी आसानी से मिल जाता है। और सबसे आखिर में है लाल मिट्टी। इसके अलावा सिलिका और एल्यूमिना का यूज भी किया जाता है। इसमें कोल का भी यूज किया जाता है। एक टन सीमेंट के उत्पादन करने के लिए लगभग 250 ग्राम कोयले की जरूरत पड़ती है। जब आप कच्चे माल की बात समझ गए हैं तो ये भी जान लीजिए कि सीमेंट फैक्ट्री उन जगहों पर ही लगाई जा सकती है जहां पर एक इसकी डिमांड ज्यादा और दूसरा जहां चूना पत्थर अच्छे से अवेलेबल हो, क्योंकि चूना पत्थर सीमेंट प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कच्चा माल है और ये टोटल वेट का लगभग 60% तक होता है। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम हो जाता है और सीमेंट इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा मुनाफा मिल जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। असल में सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले चूना पत्थर निकाला जाता है। चूना पत्थर बड़े बड़े पहाड़ों में मौजूद होता है। पहाड़ों में ये सब कच्चा मटेरियल पाने के लिए पहाड़ों में ब्लास्ट किए जाते हैं और इससे एक ही झटके में काफी बड़ा पहाड़ टूट जाता है, जिससे पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर उनको ट्रक में लोड करके फैक्ट्रीज में लाया जाता है। इसके बाद इन चारों चीजों को एक एक करके क्रशिंग मशीन की तरफ ले जाया जाता है। ये क्रशिंग मशीन इन सभी चीजों को अच्छे से बारीक करने का काम करती है। एक एक करके सभी मटेरियल उसको बारीक पीस लिया जाता है। इसके बाद इन चारों चीजों को अच्छी तरह आपस में मिक्स करके कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे भेजा जाता है और एक बड़ी गर्म भट्टी में 1450 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर गर्म किया जाता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने से इन सभी चीजों के नेचुरल कंपाउंड टूटकर अलग हो जाते हैं और एक नया कंपाउंड तैयार हो जाता है। भट्टी से एक कंपाउंड बहुत ही बारीक छोटे टुकड़ों में निकलता है, जिसे खंगर या क्लीनकर कहते हैं। उसके बाद ही मटेरियल कूलर में आता है। इस कूलर में मटेरियल को 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। अब आखिर में इन टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर में बारीकी से पीस लिया जाता है और बस सीमेंट बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इस सीमेंट के खोल तैयार किया गया है तो इसे दीवारों पर लगाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट पानी मिलते ही सख्त हो जाता है और ऐसा ना हो इसीलिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है ताकि सीमेंट पानी में भीगने पर सख्त ना हो जाए। एक बार जब सीमेंट बन जाता है तो बारी आती है पैकिंग की। दोस्तों, सीमेंट की पैकिंग का काम मशीनरी करती है और इसके लिए सीमेंट की पैकेट को मशीन में फिट कर दिया जाता है और फिर मशीन ऑटोमेटिकली सीमेंट के पैकेट में सीमेंट भर देती है। ये सीमेंट बाजार में बेचने के लिए जाते हैं।